हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो बनाई गई है या फिर ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर मैं बी फॉर्म हूँ, सर मैं डी फॉर्म हूँ, मैं 2011 का 65 हूँ, मैं 32 साल का हूँ, मैं कहाँ जॉब कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे भी किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही फार्मा सेक्टर को चलाने के लिए बहुत सारे सेक्टर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला एचआर डिपार्टमेंट है। तो नॉर्मली जिस तरीके से बाकी सेक्टर्स में एचआर काम करता है, ऐसे ही फार्मा में एचआर काम करता है। आईटी सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा कंपनी आज के समय में टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन 21 CFR, ऑडिट ट्रायल्स, ये सब मार्केट में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप फार्मा कंपनी में इजीली एंट्री ले सकते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप अगर आपका कोई भी आईटीआई का डिप्लोमा है या फिर कोई भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो मैकेनिकल कोई हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी और एमएससी के ऊपर। तो जो फार्मा कंपनी है उसके तीन अलग अलग सेक्टर्स हैं या फिर तीन अलग अलग विभाग हैं जो कि उसकी जान है। पहले बात करेंगे हम क्यूसी की। क्यूसी डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जहां पर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है और साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया जाता है। तो अगर आप बी फॉर्म हैं, डी फॉर्म हैं, बीएससी हैं और एमएससी हैं तो आप क्यूसी में जॉब कर सकते हैं। ध्यान रखिए, फिर से एक बार आपको बताता हूँ, अगर आप बीएससी हैं, एमएससी हैं, बी फॉर्म हैं और एम फॉर्म हैं तो आप क्यूसी में जॉब कर सकते हैं। चाहे आपका कितना ही एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका कितना ही गैप क्यों ना हो, आप क्यूसी में आराम से जॉब कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप बी फॉर्म हैं और डी फॉर्म हैं तो आप प्रोडक्शन के अंदर जॉब कर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये फार्मा कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, यानी जान है ये फार्मा की। तो अगर आप बी फॉर्म हैं, एम फॉर्म हैं, डी फॉर्म हैं, तीनों ही डिग्रियों के अंदर आप प्रोडक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा है या फिर कोई भी आपके पास छोटा मोटा डिप्लोमा है तो भी आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कैटेगरी आ जाती है, अगर आप बी फॉर्म, एम फॉर्म या उससे थोड़ा सा ऊपर हैं तो आपको ऑफिसर लेवल पर रखा जाएगा। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या डी फार्मा है, मैं फिर से आप रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या छोटी मोटी डिग्री है या फिर अगर आप डी फॉर्म है तो आपको ऑपरेटर लेवल पर भर्ती किया जाएगा। अगर आप बी फॉर्म और एम फॉर्म है तो आपको ऑफिसर लेवल पर भर्ती किया जाएगा। अगर आप क्यूए में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर एम कॉम भी है, बीएससी, एमएससी, बी फॉर्म, एम फॉर्म सब लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर आपके पास ये भी डिग्रियां हैं तो आप क्यूए में जॉब कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।